आपने कभी न कभी यह जरूर सुना होगा कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। कैसे बनता है रस्सी से सांप, आपको इसके लिए दिखाते हैं राजसमंद के अमेठ थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से। दरअसल अमेठ थाना क्षेत्र में शांतिनाथ इलाके में एक मार्बल व्यापारी के यहाँ से ट्रेलर चोरी हो गया। ऊंची राजनीतिक पहुंच रखने वाले इस व्यापारी ने अमेठ पुलिस पर कार्रवाई जल्दी करने का दबाव बनाया। सब तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाई। इधर केलवा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक मजदूर के जेसीबी और दो ट्रैक्टर उठाकर अज्ञात व्यक्ति आमेट के शांतिनाथ स्थित एक मार्बल फैक्ट्री में रखवा दिए। पीड़ित ने अपने स्तर पर तलाश की, तब इसकी शिकायत आमेट थाने को दी। पुलिस के उनके पक्ष की कार्रवाई करने के बजाय ट्रेलर बरामद करने के लिए पीड़ित पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले को ट्रेलर ढूंढ ले आए, उसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर मिलेंगे, जबकि पीड़ित का ट्रेलर ट्रक से कोई लेना देना नहीं है। गरीब मजदूर संसाधन जब्त होने से उसके रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं, साथ ही वाहनों की किस्त तक जमा नहीं हो पा रही है। मजदूर ने राजसमंद एसपी सुधीर जोशी को शिकायत देकर वाहन वापस दिलवाने और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आइए सुनते हैं पीड़ित जेसीबी मालिक और जेसीबी ऑपरेटर ने क्या कहा है। हाँ जी, मैं इमामुद्दीन और मैं केलवा का रहने वाला हूँ, दौलत कॉलोनी में। और मेरे साधन जो जेसीबी है और दो ट्रैक्टर हैं, एक ट्रैक्टर नया है, एक जोंडियर का ट्रैक्टर है, जेसीबी है, मेरे नाम से हैं तीनों। और हम पर्वती साइड में खंडा फोड़ने का कार्य करते हैं और वहाँ पे क्या है कि केसर मार्बल पे वहाँ खंडा फोड़ते हैं। वहाँ से क्या है कि शाम के 7-1 बजे लगभग वहाँ से ऑपरेटर और ड्राइवर ट्रैक्टर को खड़ा करके आ गए मशीनों को। तो सुबह जाके देखा, 15 तारीख की सुबह में जाके देखा तो साधन वहाँ पे नहीं है। तो फिर हमने इधर उधर छानबीन की तो शांतिनाथ चौराया उस जगह कोई फैक्ट्री है मुन्ना डोन की, जो उस फैक्ट्री में शिव गणपति में कहीं खड़े गए वो साधन मिले। जो वहाँ पे पूछा तो फैक्ट्री वालों को पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई कैलाश जी कोई है कुमावत, उन्होंने यहाँ ला के गाँव वाले 10-20 आदमी मिलकर के साधन हमारे वहाँ उन्होंने खड़े करवा दिए जी। अब वहाँ वो साधन नहीं मिल रहे, पुलिस में जाके शिकायत करी साधनों की, तो वो पुलिस वाले भी हमारी राजनीति के दबाव के चलते किसी भी तरीके से वो सुनाई नहीं कर रहे जी पुलिस वाले, और हमारे साधन दिलाने में समर्थ नहीं है, वो दिला नहीं पा रहे हैं, थानेदार जी ने मना कर दिया है। इसलिए एसपी साहब के पास, इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ अपनी कार्रवाई लेकर आए हैं। वो हमारे लिए कल गरीब आदमी, हम भी हम किस्तें कहाँ से भरे जी, हम खुद परेशान इस चीज़ में। आज 15 दिन हो गए हमारी मशीन को खड़े हुए, ट्रैक्टरों को खड़े हुए, किस्तें टूट रही है। तो एसपी साहब के यहाँ आए हैं तो हमारी कोई साहून जेसीबी का ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? साहून। कौन है? मैं साहून, जाति मुसलमान, मैं जेसीबी ऑपरेटर हूँ। मैं 14 तारीख को जेसीबी को केसर मार्बल के पास में एक डंपिंग है वहाँ चलाता था। मैं शाम को 7 बजे लगभग मैं वहाँ मशीन खड़ी करके केलवा आ गया, मैं केलवा ही रहता था। सुबह मैंने जाके देखा तो वहाँ जेसीबी हमारे को नहीं मिली, चाबी हमारे पास थी। सुबह वहाँ इधर उधर देखा तो शांतिनाथ चौराहे के पास में शिव गणपति मार्बल है, तो वहाँ मशीनों को खड़ा कर रखा था। फिर पुलिस के पास नहीं गए आप? पुलिस के पास गए जी, अब पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं कोई एक टेलर चोरी हुआ था वहाँ, वहाँ आमेठ के पास ही है शांतिनाथ चौराहे से कोई टेलर चोरी हुआ था, कि भाई वो टेलर लेके आ जाओ, चोर तुम्हारी साइड के हैं। कि साहब हम तो काफ़ी दिन से यहीं रह रहे हैं, हमारे को तो कोई टेलर से कोई मतलब नहीं है, और हम तो यहीं शांतिनाथ चौराहे के पास में हमारी मशीनें खड़ी थी, हमारे को तो कोई गांव वाला सुनवाई नहीं कर रहा है। ये अपने आगरिया का केला जी कुमावत के नाम का है, जिसका वो टेलर चोरी हुआ है। अब पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि जी हमारे को तो ये टेलर ले आओ और अपने साधन ले जाओ।